बरसात के कारण कई इलाके प्रभावित हुए हैं, जिस तरह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये जो स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सांबा जिला के सुम ब्लॉक में स्थित बाबा शिवोजी गोरन जी के देवस्थान की। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बाबा जी के दरबार पे जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है बाढ़ के कारण। आप देख रहे हैं कि किस तरह से पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है और बाबा जी के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है बाबा जी के दरबार में जाने वाला। क्योंकि आप जब बाबा जी के देवस्थान पर पहुंचते हैं तो दरबार में पहुंचने से पहले आपको इसी स्लैब से गुजरना है, जो कि एक नाला है और नाले के आगे स्लैब है, यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन आज जिस तरह से काफी बारिश सुबह हुई और श्रद्धालु जो माथा टेकने के लिए आज बाबा जी के दरबार में पहुंचे, वो घंटों तक जो है वो इंतजार करते रहे और वो इंतजार करते रहे कि आखिर कब पानी का लेवल कम होगा और वो बाबा जी के देवस्थान पर जाकर माथा टेकेंगे। क्योंकि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितना तेज बहाव है पानी का, और जैसे ही पानी थोड़ा कम होना शुरू हुआ तो उसके बाद जो है श्रद्धालु एक एक कर जो है वो आगे बढ़े और बाबा जी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं सुंब इलाका हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, खासतौर पर बरसात को लेकर बात करें। सांबा सुंब रोड को लेकर हमने लगातार आपको अपडेट किया कि 2017 में इसका काम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। और इसी तरह से गोरन इलाके की बात करें या फिर सुंब इलाके की बात करें तो हाल यही है, बरसात में कहीं ना कहीं यहां पर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। कई लोगों को जो है कई घंटों तक जो वो इंतजार करना पड़ता है कि नदी नाले जब उफना जाते हैं, उसके बाद जब पानी कम होता है तो लोग उसके बाद अपने गंतव्यों की ओर पहुंचते हैं। लेकिन ये तस्वीरें बाबा जी के दरबार की हैं। बाबा जी के दरबार से चंद कुछ मीटर दूरी पे ये जो स्लैब है, इसी स्लैब को जब आप पार करके बाबा के दरबार में पहुंचते हो तो, लेकिन आज ये तस्वीरें उसी जगह की हैं, यहाँ से आप गुजरते हैं तो ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये आज बाढ़ से प्रभावित हुआ है और यहाँ पर लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि पानी का तेज बहाव लोगों के लिए आफत लेकर आ गया। लेकिन आपको बता दें कि लोगों ने भी पूरा दम रखा और बाबा जी के दरबार में माथा टेका जब पानी का बहाव कम हुआ। ये तस्वीरें हैं सांबा जिला के सुम ब्लॉक में स्थित बाबा शिवोजी गोरन जी के देवस्थान की। यहाँ आज रास्ता बाबा के दरबार में जाने वाला पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुआ। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।
शारदा बनी हुई है, कोई हो तो शारदा बनी हुई है, बच्चे बच्चे को रोने का फिर पा लो ना। दे पुल नहीं, कोई सड़क नहीं, सांबे कोला लेइए दिक्खी लाओ तुस, गोरन तक सड़क नहीं, और पावे दी ते गल गै छड्डो, पावे दा पुल दे केई चिर होई गया, कोई रस्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, जेहड़ी दुनिया आंदी इन्नी खज्जल होंदी है, ते जिसलै कोई उऐ लेई गल होए, हर ऐतवार भी आंदे, मंगलवार भी मिनिस्टर भी आंदे, MLA भी आंदे, दिक्खियै चली जांदे, DC तक आंदे, दिक्खियै चली जांदे पुल दा रस्ते दा, उसलै आखी जांदे कि आह रस्ता बनाने आ, पुल दिन्ने आ, सब कुछ दिन्ने आ, लेकिन जेल्लै चार दिन बीतदे ते पानी आंदा, बरसांत पौंदी ते रस्ते मुड़िया रुड़ी जंदे, फिर कोई नहीं पुछदा ध्याड़ियां, ते असारी डिमांड लोकें दी वी इ'यै कि रस्ता बनना चाहिदा, पुल बनाओ तुस, रस्ता बनाओ, बावे दा सड़क ते बननी चाहिदी, ते दुनिया बड़ी खज्जल होंदी, बारिश होआ थोड़ी, एह् रस्ते बगैरा बड़ी परेशानी।